अरे यार टीवी पर चलते ही जाकर देखा, हल्का मिल रहा है पटना के राजा बाजार इलाके में। तब अफरा तफरी मच गई जब एक होटल की लिफ्ट में 8 लोग घंटों तक फंसे रह गए। दरअसल होटल क्रिश क्लार्क इन में एक पार्टी में शामिल होने आए लोग लिफ्ट में चढ़ गए, लेकिन लिफ्ट 6 लोगों के लिए थी और लिफ्ट में 8 लोग चढ़ चुके थे, जिसके बाद लिफ्ट ओवरवेट होने की वजह से बीच में ही फंस गई। हम लोग चढ़े, पहले 6 आदमी को उसमें लिखा था 6 आदमी चढ़े, लेकिन 8 आदमी चढ़ गए उसमें। आधम जाकर के हम लोग को बंद हो गया, फैन भी बंद हो गया, फैन भी नहीं चल रहा था, रह रहा के हम लोग को लग रहा था कि मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, इस तरह का हो रहा था। हम लोग होटल में आए थे पार्टी मनाने के लिए, बाबू का छठी था बड़ी था, इसी में आए थे हम लोग, इसी में हम लोग को खाना खाने के लिए नीचे आ रहे थे, उसी में लिफ्ट में फंस गए। घटना हुई कि ऊपर से नीचे आने लगे 8 आदमी था लिफ्ट में, तो फंस गया तो बहुत देरी फंसा हुआ रहा। लोगों की हालत खराब होने लगी थी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट को तोड़कर लोगों को निकाला गया। एक बार फिर से देखिए कैसे ये लोग लिफ्ट में फंस गए थे। आगे हटो ना सब, हमें तो बच्चा को निकालो, बच्चा को निकालो, बच्चा के पहले बच्चा को निकालो, रुके आराम से पहले बच्चा को निकालो, बच्चा को आराम से, बच्चा को अरे सब पे निकाल दी क्या, बच्चा को निकालो, सब निकल जाएगा, सब हड़बड़ाई ना करो, दिखाइए शांत रहिए, आप भी शांत रहिए, शांत रहिए, आप भी शांत रहिए, हम देख रहे हैं घटना से आहत लिफ्ट में फंसे लोगों के परिजनों ने होटल के मैनेजर के साथ जमकर धक्का मुक्की की और हंगामा करने लगे। तभी मौके पर पहुंची एयरपोर्ट थाना की पुलिस ने लोगों को शांत कराया और कार्रवाई की बात की। सब मत कार्रवाई होगा, जो कानून कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमको देख कर के ये लगा, कहने का मतलब है मालिक का दोष है थोड़ा ये, कि जिनकी होटल थी जब वो फंसे हुए थे तो इनको समय पर आना चाहिए था, आ करके ये किए, लेकिन उन्होंने लेट से आए इसीलिए इनको खूब वाजन सहना पड़ रहा है। टेक्निकल चीज है, आप स्वयं समझ रहे हैं, लापरवाही तो है, तब न टेक्निकल चीज देख सकते हैं। केस की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं कर रहा हूँ, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बहरहाल सभी लोग सुरक्षित हैं और हमें इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। पटना से सुजीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।